यहाँ तक हमारी ब्लाउज पूरी कंप्लीट हो चुकी थी ना, तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, तो आज हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। नाप लेना तो मैंने पहले बता दिया था। अगर आपने इस ब्लाउज की जो हमने कटिंग किया है उसकी वीडियो और जो हमने ये स्टिच किया है उसकी वीडियो नहीं देखी होगी तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगी, तो वहां से जाके आप देख लेना। ओके, तो स्लीव्स में भी हम अस्तर लगाने वाले हैं, तो ये हमारा अस्तर है उसको हमें प्रेस करके अच्छे से रखना है। पहले आपको प्रेस कर लेना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो इसको ना हमें टोटल 4 फैब्रिक रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा कपड़ा कैसे है देखो, ये हमारा ऐसे है, तो एक बार मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, अभी वापस से फोल्ड कर लेना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 फैब्रिक रहना चाहिए। ओके, ये इतना कंप्लीट हो गया। कैसे फोल्ड करना है वो समझ में आ गया ना, आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, बट हमारा जो कपड़ा रहेगा ना वो 4 रहना चाहिए। ओके, स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें स्लीव्स का फर्मा चाहिए होगा, तो ये फर्मा की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से जाके आप देख लेना कि ये फर्मा हम कैसे कट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम ना हमने कपड़ा कैसे फोल्ड किया था ना, तो हमें यहाँ तक फोल्ड कर लेना है, फिर स्लीव्स को ऐसे रख के देख लेना है, ऐसे क्रॉस में रख के देख लेना की यहाँ पे हमारा कपड़ा कितना यूज होगा। तो इसको मैंने कट कर लिया है। ओके, ये हमारा साइड का जो कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया, फिर इसको हम ऐसे रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे, तो यहाँ की जो साइड रहेगी ना, ये वाली साइड भी ये पूरी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। तो ओपन साइड पे आपको देख लेना है कि आपके पास फैब्रिक 4 रहना चाहिए। ओके, ये हमारे पास 4 फैब्रिक हो गया। अभी पहले मैं इसको ना अच्छे से प्रेस करके रख लूंगी। देखो, कपड़े को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारा फैब्रिक 4 रहेगा। देखो, यहाँ पे 2 और वहां पे 2। ओके, और ये हमारी पूरी फोल्ड साइड रहेगी, यहाँ पे फोल्ड साइड रहनी चाहिए और यहाँ पे हमारी ओपन साइड रहनी चाहिए। ओके, अब हमें स्लीव्स का फर्मा ले लेना है। स्लीव्स का फर्मा हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस में रख लेंगे, तो क्रॉस में मतलब कि यहाँ पे कितना गैप रहना चाहिए वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ना हमें 1.5 इंच का गैप रख लेना है। ओके, यहाँ से हम 1.5 इंच का गैप रख लेंगे। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग करके हो गया, तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्किंग किया, 1.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया ना। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे, तो स्लीव्स की हमारी रेडी लेंथ कितनी इंच की है, 10 इंच की हमारी लेंथ थी, तो हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, तो 11 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ओके, 11 इंच पे हम मार्किंग करेंगे ना, ये हमने 11 इंच पे मार्किंग कर लिया। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों को साथ में यहाँ पे क्रॉस में एक लाइन बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे लाइन बना के हो गया। अब हमें स्लीव्स के फर्मे को यहाँ पे रख लेना है, या जहां से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया ना, वहां से हम ऐसे एक पॉइंट बना लेंगे, फिर यहां से हम स्लीव्स के फर्मे को ऐसे रख लेंगे। ओके, यहां से हम ऐसे रख लेंगे, फिर यहाँ पे हमारा जितना भी क्रॉस था ना वहां पे ऐसे ही रख लेना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिर्फ ड्रॉ कर लेना है, तो स्लीव्स का फर्मा ये शेप देने के लिए हम यूज करते हैं। क्या, अब यहाँ पे हमारी मोरी आ रही है ना, मतलब इसकी लेंथ आ रही है ना, तो यहाँ पे इसको रख लेना है ऐसे, तो जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना जाने देना है। अब हम यहाँ से भी ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से मोरी लेंगे, तो मोरी हमारी कितने इंच की थी, 10 इंच की हमारी मोरी थी ना, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 इंच मिलेगा, तो 5 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे। अब हमें 1.5 इंच सिलाई का भी ऐड करना है ना, तो 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें ब्लाउज ले लेनी है, तो ब्लाउज में पहले फ्रंट पार्ट का करेंगे, तो जहां से हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है ना वहां से हम इसको रख लेंगे ऐसे, ये लाइन के बराबर रख लेना है, फिर ये कपड़े को खींचना नहीं है, ऐसे ही हमें ये जो हमने स्लीव्स के लिए मार्किंग की है ना उस लाइन के ऊपर इसको रखते जाना है, इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इसको हम ऐसे अच्छे से रखते जाएंगे, और जहां पे भी हमारा आएगा ना वहां पे एक मार्किंग कर लेंगे। ओके, अब हमें सेम बैक पार्ट का भी करना है, तो शोल्डर को हम इसके ऊपर रख लेंगे, फिर यहां से हम ऐसे नाप के मार्किंग कर लेंगे। आप इंची टेप से भी नाप के डायरेक्ट मार्किंग कर सकते हो,
अगर इसको आप ब्लाउज को ही रख के मार्किंग करनी रहेगी तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये आएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये दोनों का सेंटर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर मिल गया हमें। अब जहाँ से हमने सेंटर पे मार्किंग की ना, वहाँ से हमें 1.5 इंच इतना अंदर जाना है। 1.5 इंच हम अंदर जाएंगे तो जहाँ पे आएगा ना, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इसके साथ जॉइंट कर लेनी है। जो हमने फिटिंग की मार्किंग की है ना, उसके साथ इसको जॉइंट कर लेंगे, और ये वाली लाइन को हमें इसके साथ जॉइंट कर लेना है। सॉरी, ये वाली लाइन को, बीच वाली जो लाइन है ना, ये वाली सेंटर जो हमने मार्किंग की है ना, वो वाली लाइन को। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से देखो, यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमें 1.50 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो ये मार्किंग क्यों कर रहे हैं, जहाँ पे हमें पफ चाहिए ना, स्लीव्स में जो ऊपर पफ रहेगा ना, वो चाहिए। तो वो आपको कितना पफ दिखे ऐसा चाहिए ना, उससे आपको डबल ले लेना है। ओके, अब हमने जो ये मार्किंग की है ना, ये मार्किंग का और यहाँ पे जो अभी मार्किंग की, ये दोनों का हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे इसका सेंटर मिल जाएगा। ओके, ये सेंटर मिल गया। सेंटर से हमें 1 इंच इतना डाउन जाना है। अब ये हमने कर लिया। अब ये जो हमने सेंटर निकाला और इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और एक मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, और ये सारी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम शेप बना लेंगे। तो देखो, यहाँ से हम 0.25 इंच जितना नीचे जाएंगे, 0.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर ये जो हमने राउंड शेप दिया है ना, उसको इसके साथ जॉइंट कर लेना है ऐसे। ओके, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल रेडी हो गया। अब हमें इसमें ही बैक पार्ट का भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेना है। ओके, तो वो हो जाएगा हमारा बैक पार्ट का आर्म होल। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें यहाँ से कर लेनी है। पहले हम मोरी की कटिंग करेंगे, फिर ये वाली मार्जिन की लाइन को कट कर लेंगे, और जो हमने बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ किया है ना, उसको पहले कट कर लेना है। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम एक कट्स लगा लेंगे ताकि ये हमारा बीच में आएगा, ऐसा हमें समझ में आए। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया। अब हमने जो फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ किया है ना, सिर्फ उसको कट करना है। ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहां से हमें 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर ये 2 इंच को हमें यहां पे भी मार्किंग कर लेनी है। तो दोनों साइड पे हमें 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, ताकि हमें फ्रिल्स कहाँ तक लगानी है ना, वो ध्यान रहे इसके लिए। तो यहाँ पे ना मैं छोटी सी कट्स लगा लेती हूँ, ताकि हम सिलाई लगाएंगे ना तब हमें समझ में आए कि हमें फ्रिल्स यहाँ तक देनी है। तो यहाँ पे मैंने एक कट्स लगा लिया, और सेम कट्स हमें यहाँ पे भी लगा लेनी है। तो देखो, ऐसे हमारी स्लीव्स के अस्तर पे जो कटिंग करनी थी, वो कटिंग कंप्लीट कर ली। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे कैसे कट करेंगे ना, वो देखेंगे। अब देखो, ये मेरा मेन फैब्रिक है, उसको मैंने एक बार फोल्ड करके रख लिया है। फोल्ड करके रख लिया। अब स्लीव्स में ना हमें कोई भी एक साइड रॉन्ग साइड बना लेनी है। ये वाली रॉन्ग साइड मैंने बना ली, और यहाँ पे पीछे की साइड रॉन्ग साइड बना लेनी। अब हम इसको पूरा ओपन करके रख लेंगे। फिर जितना भी हमारा कपड़ा है ना, उससे हम इसको ज्यादा ही कट करेंगे। ओके, स्लीव्स को हमें ज्यादा ही कट कर लेना है। तो जहां पे मैंने मार्किंग किया ना, वहां से मैं इसको कट कर लूंगी। देखो, स्लीव्स को हमने ऐसे ज्यादा कट कर लिया है। अभी इसको स्टिच कैसे करना है ना, वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्लीव्स दिखा देती हूँ, आप दूसरी खुद से कर लेना। ओके, तो ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। उसके ऊपर हमें ये जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है ना, उसको रख लेना है। फिर
यहाँ पे देखो ऐसे पैटर्न दे रखी है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव्स को रख लेंगे और यहाँ से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया है, अब हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच पे। ये हमने सिलाई लगा के हो गया। अब यहाँ से जो ज्यादा कपड़ा बचता है ना उसको हमें कट कर लेना है। ये कट करके हो गया, फिर यहाँ पे हमें बीच में एक कट लगा लेनी है और दो दो कट साइड में भी लगा लेनी है। अब इसमें हम धार स्टिच लगा लेंगे, तो इस कपड़े को हमें अस्तर की साइड जाने देना है, फिर यहाँ पे हम धार स्टिच लगा लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम ऐसे उल्टा कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपको प्रेस लगा लेनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस लगा लिया है, पीछे की साइड से भी देखो ये प्लेन हो गया। अब यहाँ से सारे में सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगा के हो जाएगा, फिर यहाँ पे ज्यादा कपड़ा बचा है ना उसको हमें अस्तर के बराबर कट कर लेना है। ये कट करके हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने कट्स लगाई है ना, एक कट हमने यहाँ पे लगाई है और यहाँ पे लगाई है ना, तो इस कट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ना चून बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने चून बना ली है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो ये ऐसे दिखेगी। ओके, ऐसे हमें दोनों स्लीव्स बना लेनी है। अब देखो हमें ना इसमें चेक कर लेना है कि हमारा फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। तो देखो इसको हम ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे और यहाँ पे कम कपड़ा रहेगा ना वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, तो मैंने एफ लिख लिया, और बैक साइड का हमारा ये वाला पार्ट रहेगा। तो ओके, आपको ऐसे चेक करके देख लेना है। अब इसको ब्लाउज में कैसे स्टिच करेंगे, तो ब्लाउज को ऐसे सीधा रख लेना है, उसके ऊपर स्लीव्स को हमें उल्टा रख लेना है। ओके, उल्टा रखने के बाद देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये एफ वाला यहाँ पे आ गया और बैक पार्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको रख लेंगे, फिर हाफ इंच पे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली, अब ऐसे हमारी स्लीव स्टिच हो गई। देखो ये हो गया, ये हमारा बैक साइड का रहेगा और ये हमारा फ्रंट साइड का रहेगा। सेम हमें यहाँ पे भी लगा लेनी है, एक साइड की स्लीव्स बाकी है ना, तो यहाँ पे भी हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारी दोनों साइड की स्लीव्स अटैच हो गई। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे, फिर इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली, दोनों साइड से डेढ़ डेढ़ इंच का स्लीव्स तक मार्किंग रख के फिर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको ऐसे नहीं होगा तो क्या करना है, कमर आपकी जितनी भी रहेगी उसका हाफ करके फिर मार्किंग कर लेनी है, चेस्ट का हाफ करके मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ पे आपको मोरी का हाफ करके मार्किंग कर लेनी है। फिर इसको हम सीधा करेंगे। अब इसका फाइनल लुक हम देखेंगे।